तो इस प्रदेश नाल जुड़े हुए तमाम दर्शकों का अज्ज दे शो दे विच स्वागत। यूएसए जाने दे चाहवान साडे नाल जुड़े रहेंगे। सिर्फ शो असी डेडिकेटेड करन जा रहे हैं उस विद्यार्थी लई, उन्हां कैंडीडेट्स लई जिहड़े कि यूएसए जाने दे चाहवान ने, स्टडी वीज़ा ते जां फिर टूरिस्ट वीज़ा ते भी घूमन जाना चाहते हैं, थोड़ी जी गल उन्हां वास्ते भी करांगे। अज्ज डेट दे विच पंजाब दे विच यूएसए की बहुत ऐड छप रही है, 5,000 तो लैके 50,000 ऐड द रेट, इन्ने दे विच यूएसए पहुँचो। असी कोशिश की थी कि यूएसए बारे जानकारी देिए, उस कंपनी को बुलाइए जिन्हों के टाई अप्स यूएसए दे विच ने पिछले 15 साल तो, उन्होंने जो ऑफिस हैगा हैदराबाद दे विच है, तो असी इन्हों जी है रिक्वेस्ट की पंजाब दे विच उन्हों दा दफ्तर थोड़े ही समय तो चंडीगढ़ खुलिया, असी अपने टीवी के उपर बुला के उन्होंने जोड़े विद्यार्थी उन्होंने रूबरू कराइए, तो कि यूएसए की जी एडमिशन प्रोसैस हैगा, वीज़ा प्रोसैस हैगा, PR का ग्रीन कार्ड का प्रोसैस है, असी सारी की सारी जानकारी दे सकी। सो यूएसए के चाहवान लगातार साढ़े नाल जुड़े रहेंगे। यूएसए के एक्सपर्ट्स हिमांशु जी साढ़े नाल इस वक्त ने, जो कि साढ़े नाल जुड़े ने एडमिशन ओवरसीज़ तो पावर्ड बाय कैंपस अमेरिका। कैंपस अमेरिका के नाम से यह कंपनी जी है 17 सैक्टर के अपनी जी है सर्विसिज विद्यार्थियों लिए ज टूरिस्ट वीज़ाज लिए दे रही है। अज असी शुरुआत करनी है स्टडी प्लस ग्रीन कार्ड, इतों पहुँच के PR तक का जो यूएसए का सफर है वो असी पूरी की पूरी जानकारी असी लैन की हिमांशु जी तो कोशिश करेंगे। हिमांशु जी स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच रणदीप जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, एंड सत श्री अकाल पंजाब, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। देखते हैं आज मैं होपफुली अपनी नॉलेज से कुछ आपको बता पाऊंगा यूएसए के बारे में। नहीं, ये जरूरत सी हिमांशु जी, क्योंकि पंजाब दे विच यूएसए नूं लैके बहुत गलत धारनावां ने, लख रुपए की ठगी हो रही है और एडमिशन सही कॉलेजों के नहीं होंगी, वीज़ा रिजैक्ट हो जाता है, बच्चे निराश होंगे ने, तो साड़ी कोशिश थी कि तुहानू हैदराबाद तो असी स्पैशली बुलाइए। सो यह भी खुशकिस्मती है कि तुसी दफ्तर पंजाब दे विच बनाया, बच्चे मेरे ख्याल इस चीज़ की हुण जानकारी भी तुहाडे तो लै सकणगे। सो वधेरे जानकारी लिए तो चलते शो के दौरान या शो तो बाद यूएसए संबंधी कोई भी मन के सवाल है, तुम एडमिशन कराना चाहते हो, एडमिशन तो लैके ग्रीन तक कार्ड, तुहाडा कोई रैलेटिव उधर बैठे है, ग्रीन कार्ड तक की जी जानकारी है बाय कॉल बाय मैसेज हिमांशु जी तो लै सकते हो। कैंपस अमेरिका अज काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने वास्ते इस मंच से हाजिर है। शुरुआत मैं करनी चाहूँगा, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम किहो जिहा है, किस बच्चे नूं बुला के खुश हैगा, वह किहड़ा बच्चा अप्लाई करे? जो तुसीं कैनेडा की गल करते हैं 6-7 कागज़ चाहिए होंदे ने सानूं, आयल्स की होवे, साडी एडमिशन हुई होवे, फीस की रसीद होवे, GIC होवे, 6.5 या 6 बैंड हो, इस तरह हैगा। न्यूजीलैंड का होर तरह का सिस्टम है, यूएसए किस तरह के स्टूडेंट्स का वेलकम करता? सबसे पहले तो रणबीर जी, यूएसए एजुकेशन सिस्टम द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड है जी। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे 5,000 इंस्टीट्यूशंस हों। यूएसए में 5,000 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं। यूएसए सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने जाता है। चाइना नंबर वन सप्लायर है, उसके बाद इंडिया है, यानी हमारा देश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो स्टूडेंट्स बाहर यूएसए पढ़ने जाते हैं उनके लिए। 5,000 यूनिवर्सिटीज और 50 स्टेट्स हैं। अब उसमें क्या लोकेशन में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी जगह है, ये रिसर्च वर्क करना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अगर बच्चे मैं देख रहा हूं, मैं पंजाब में आया, मैंने देखा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं, नो IELTS, गो टू यूएसए, ये सारी मार्केटिंग 1 या 2 साल पहले क्यों नहीं हो रही थी? उसकी वजह है, यहाँ बिजनेस चल रहा है इमिग्रेशन के नाम पे, और जैसे ही न्यूजीलैंड की पॉलिसीज टाइट हुई, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसीज थोड़ी टाइट हुई, बच्चा उधर दौड़ना शुरू करता, बच्चा उधर दौड़ना शुरू करा, और हमारे जो बिजनेस में भाई लोग हैं वो लोग भी इसको ज्यादा प्रमोशन उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन रिसर्च किसी ने नहीं किया है, कोई रिसर्च नहीं करना चाहता, सब ये चाहते हैं कि बस बच्चों से पैसे ले लें और हम उन्हें यूएसए भेज दें, एग्रीगेट का गेम खेल रहे हैं सब, 50 वीजा डालेंगे, 10 लग जाएंगे, कमाई हो जाएगी। बट मैं ये सोचता हूँ कि हमारा धर्म है बच्चों को बताना, मैं सोचता हूँ कि हमारा धर्म है बच्चों को बताना कि दे शुड नो कि कैसे यूएस जाना है और रिसर्च क्या करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन हो सकता है, क्या कोर्स पे जाना चाहिए, क्योंकि जब वो वीजा लेने जाएंगे तो वो फेस करेंगे वीजा ऑफिसर को, और वीजा ऑफिसर सिर्फ 30 सेकेंड से 1 मिनट का टाइम देगा बच्चों को अपने सवालों का जवाब देने का। तो उसमें अगर बच्चा नहीं बता पाया कि उसने नहीं रिसर्च करा, उसे नहीं पता वो कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करेगा वहां जाके, उसका क्या उसका होमवर्क है इस चीज को लेके, और उसने कितनी यूनिवर्सिटीज अप्लाई किया है, उसको कभी वीजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो वो हो सकता है कि वो जाए एजेंटों के पास और एजेंट्स उन्हें बोलेंगे यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये कम्युनिटी कॉलेज में चले जाओ, उस 1 I-20 को लेकर बच्चा अगर एम्बेसी जाता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वीजा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक है। गलती तुमने गल की है, अज पंजाब दे विच इह तां कहा जांदा है कि यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू ते आधारित है, इंटरव्यू दे विच पुछया की जाना है और इंटरव्यू की तैयारी किवें करनी है, यह नहीं पुछया, एक पैट जे सवाल दिते जांदे ने, सवाल कदे भी रट्टा मार के तैयारी नहीं हो सकती, जिहड़ी
हिमांशु जी ने गल की थी, मैं सहमत है। मैं आप खुद हूँ पिछले जो लगातार 20 दिन रहने का मौका मिले 15 दिन यूएसए के रिसर्च कि यूनिवर्सिटी कि स्टेट के हैगी है, वो यूनिवर्सिटी का लैवल्स की हैगा, वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन किहो जी है, तुम यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, बहुत तरह के सवाल वीज़ा अफसर जो है पूछ सकता। पर यह भी एक चीज़ की गरंटी मैं ले रहा खुद, सब तो सौखा वीज़ा मेरे ख्याल यूएसए का है जो एक मिनट के मिल जाता है, पासपोर्ट रख लिया जाता है। सो ये बच्चे इस तो डराया जाता है, ये की कारण है हिमांशु जी कि सब तो सौखा वीज़ा है, सौखी रिसर्च है, बड़ा सौखा पढ़ना, उत्थे बड़ा सौखा पक्के होना यूएसए के, डराया क्यों जाता है यूएसए के नाम से बच्चे? क्योंकि जो जो लोग डरा रहे हैं उनका खुद का रिसर्च नहीं है, उन्होंने खुद होमवर्क नहीं किया है। बड़ी सीधी सी बात है, आप बात कर रहे हो 5,000 कॉलेजेस की, ये छोटी सी न्यूजीलैंड की मार्केट नहीं है जहाँ पे 30-40 कॉलेजेस हैं। मैं किसी कंट्री के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मैं एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलना चाहता हूँ। लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, आज से नहीं सालों से चला आ रहा है, हमारे देश से बच्चे यूएस पढ़ने बहुत सालों से जा रहे हैं। हैदराबाद इज दी सेकेंड हाईएस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड, मतलब अगर शांघाई से नंबर वन बच्चा जाता है तो उसके बाद हैदराबाद का नंबर है वर्ल्ड में। वेरी गुड। पिछले साल 29,000 वीजा हैदराबाद से लगे हैं। क्या बात है। तो आप कौन सी मार्केट साइज को आप बोलेंगे कि बराबर है यूएस के? तो उस हिसाब से देखा जाए तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, बच्चों को राइट नॉलेज देने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। विदाउट आईएलटीएस आप यूएसए पहुंच जाओगे, आपको मैं I-20 ला के दे देता हूं, आप इंटरव्यू फेस कर लो, आप चले जाओ, 1-2 लाख रुपए आप बर्बाद कर लोगे एजेंटों के पास और वीजा नहीं लगता है। लेकिन यूएसए का वीजा एक्चुअली में सबसे आसान है, उन बच्चों के लिए आसान है जो रिसर्च कर सकते हैं, जो थोड़ा ये जानते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ने जा रहा हूं। इतनी बात तो पक्की है, आप अगर विदाउट आयल्स जा रहे हैं एम्बेसी में और आप बोल रहे हैं कि मेरे को ये I-20 और आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, आपको वीजा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरव्यू की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है यूएस एम्बेसी में। वीजा ऑफिसर आपको एक सेकंड में देख के बता देगा, अपना माइंड सेट कर लेगा कि उसे वीजा देना है कि नहीं देना है। सेकेंड सवाल वो आपसे पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पढ़ने के लिए और ये यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं। थर्ड सवाल वो ये पूछ सकता है बच्चों से कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है। तो अगर बच्चा कहता है कि मैंने तो सिर्फ इस कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई किया है और कहीं नहीं अप्लाई किया, तो वो रिसर्च नहीं है। आप 5,000 इंस्टीट्यूशन में सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन को क्यों आपने चूज किया है? कोई रिसर्च ही नहीं है, क्योंकि मेरे एजेंट ने बोला। नेक्स्ट वो पूछता है एजेंट कौन है, एजेंट अभी कितने एजेंट्स को उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो ये हमने इस चीज को बिजनेस बना दिया है और हमने इस चीज का डर पैदा कर दिया है बच्चों में कि इंटरव्यू बेस्ड वीजा है, आपका वीजा नहीं लगेगा, पर हम आपका वीजा करा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। बच्चों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उनको अपना रिसर्च करना पड़ेगा, दे नीड टू गो टू अ कंसल्टेंट, दे नीड टू गो टू एन एजेंट जो उनको मदद कर सके उनकी शॉर्टलिस्टिंग करने में, यूनिवर्सिटीज की शॉर्टलिस्टिंग करने में। हर एक बच्चे का अपना प्रोफाइल है, बहुत सारे इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं यूएसए जाने में। जो बच्चे टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज जाना चाहते हैं, दे हैव टू राइट सैट, उन्हें सैट या ACT का एग्जाम लिखना पड़ता है, अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग कहते हैं उसको, और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बेसिकली मैथ्स और वर्बल के ऊपर होता है, और इसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होते हैं। बच्चा अगर कोई मेजर लेना चाहता है अंडर ग्रेजुएट डिग्री में बायोलॉजी केमिस्ट्री में, तो वो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट लिख सकता है। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट करने जाना चाहते हैं उनको GRE की एडवाइस दी जाती है कि आप ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम लिखिए, उसमें आपका मैथ्स क्वांटिटेटिव और वर्बल और एनालिटिकल एग्जाम होता है वो। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सब बातें कोई नहीं बता रहा है, सब कह रहे हैं कि विदाउट आईएलटीएस और चले जाओ, और विदाउट आईएलटीएस मिल जाता है ना बच्चा पंजाब में, विदाउट आईएलटीएस एडमिशन भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विदाउट आयल्स मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश ना बोलें या आप इंग्लिश ना जाने। विदाउट आयल्स की फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश जो मे बी वर्किंग है, जो जिनके पास टाइम नहीं है आयल्स लिखने का। जी हिमांशु जी, पंजाब पिछे क्यों है वीजा लेने की कमी है पंजाब की एप्लीकेशन? शुरुआत इतों करेंगे, हम अगले सवाल शुरू हो गए I-20 तो विदाउट आयल्स तो की वजह विदाउट आयल्स जा पाएगा कि तुम इंटरव्यू की तैयारी कराओगे, किस तरह की यूनिवर्सिटियाँ, किस तरह के कोर्सेस चूज करने चाहिए ने, ग्रीन कार्ड के मेमे का अगले सवाल ये होंगे। उस तो पहला सिर्फ एक सवाल कि पंजाब क्यों पिछे है वीज़ा लेने दे विच? अगर मैं इंडिया की सारी एम्बेसीज में यूएस एम्बेसीज की लोकेशन देखूँ तो मुझे नहीं लगता एक्चुअली पंजाब कहीं भी पीछे है। पंजाब वॉल्यूम ज़्यादा है, पंजाब से एप्लीकेशन की वॉल्यूम ज़्यादा है, पंजाब अपने आप में पीछे नहीं है। जो बच्चे अब बोर्ड ले लेते हैं, बोर्ड कौन से 12th की मार्केट सबसे ज्यादा बड़ी है, तो CBSE बोर्ड है, उसके बाद पंजाब स्टेट बोर्ड है। जो अपने बच्चे पंजाब स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जो थोड़े से मेन स्ट्रीमलाइन सिटीज में नहीं है, उन बच्चों के पास थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि वो रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है।
तो उनको ये नहीं पता है कि इतना बड़ा यूएसए, उसमें मैं कहाँ जाके कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँ। कोई चाचा है, कोई मामा है, ताऊ है, यूएसए में रह रहा है, और वो कह रहा है कि भाई तुम आ जाओ सैन फ्रांसिस्को आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल। अब सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस कितनी डिस्टेंस है? वो कह रहा है कि मैं तो कैलिफोर्निया जाना है, तो रिसर्च नहीं हो रही है कैलिफोर्निया कितना बड़ा कितना बड़ा है। तो कैलिफोर्निया में आप लॉस एंजलिस की कोई कॉलेज को चूज कर लेते हो, छोटा कॉलेज, क्योंकि किसी एजेंट ने बोल दिया ये रहा कैलिफोर्निया, मामा जी रह रहे हैं सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को का उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया। तो ये एक थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज है। दूसरा, हम मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा इंग्लिश में मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी एम्बेसी के लिए, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज ओनली, दिस इज वन ऑफ द वीजाज वेयर यू हैव टू फेस द वीजा ऑफिसर। वीजा ऑफिसर के सामने आपको जाके बताना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो आप सोचो कि मेरा काम हो जाएगा, ना कोई किसी के पास जादू की छड़ी है जो आपको बोल दे कंसल्टेंट गारंटी। का कोई रोल नहीं हो, सिर्फ तुमने कर रिसर्च बेस्ड बिल्कुल चंगे नहीं, कॉलेज चंगे बिल्कुल कोर्स नहीं दे है। सकता मुझे है। दुख होता है इस बात का देख के, पंजाब में मार्केटिंग होती है कि भाई हम आपका वीजा करा देंगे, आप पैसे बाद में दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूएस एम्बेसी की अपनी सेट फीस है, वीजा फीस है, सर्विस फीस है, वो जो तो कि बच्चे नहीं थ्री भरनी है। बच्चे नहीं भरनी है, वो बच्चा ही भरेगा, आपका कंसल्टेंट क्यों भरेगा, है ना? तो आपका वीजा भी आप ही लगाओगे, कंसल्टेंट नहीं लगाएगा, क्योंकि वीजा तो आप ही इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो मेहनत एंड में किसकी है? बच्चे की है। कंसल्टेंट का सिर्फ एक ही काम है यूएसए में, I-20 लाके देना और बच्चों को इंटरव्यू रिसर्च बेस्ड। ट्रेन, हाँ जी, इंटरव्यू ट्रेनिंग करवाना। अब I-20 क्या होता है, इमिग्रेशन हाँ ट्वेंटी मैं उधर क्या? ही आ रहा सी हाँ कि जी, I-20 जिहड़ी हैगी किस आधार ते मिलेगी बच्चे नूं और किवें कित्थों किहड़े कॉलेज तों लैणी चाहीदी है। जैसे हमारे दूसरी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, वहाँ पे ऑफर लेटर कहते हैं या एडमिशन लेटर कहते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ को I-20 कहते हैं। I-20 एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आप एम्बेसी में शो करके अपना वीजा ले सकते हैं। I-20 जब आप लेते हैं तो आपके सारे रिकॉर्ड एम्बेसी में होते हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके फाइनेंशियल फंडिंग, सारे रिकॉर्ड जब आप एम्बेसी में वीजा फाइल करते हैं, एम्बेसी में वीजा ऑफिसर के पास होते हैं। जी I-20 कॉलेज इशू करके देती है, और जैसे मैंने बोला 5,000 कॉलेजेस हैं, इसमें मेरे मेरे हिसाब से करीब 3,000 यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूट करती हैं वहाँ पे, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, तो उन सबके पास I-20 इशू करने की अथॉरिटी है। और बच्चा अपना रिसर्च करे, अप्लाई करे, डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है, अगर किसी कंसल्टेंट के पास जाना है, उससे एडवाइस लेना है, तो वो ये बोले कि मुझे ये मत बताओ कि वीजा कैसे लेना है, वीजा लेना आपके ऊपर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको वीजा एम्बेसी में इंटरव्यू फेस करना है। कंसल्टेंट के पास जाके बच्चा ये बोले कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरी 12वीं की परसेंटेज है, ये मेरा आईएलटीएस का स्कोर है, मैंने सैट लिखा है तो ये स्कोर है, मैंने सैट नहीं लिखा है तो ये स्कोर है, मैंने जीआरई लिखा है तो ये स्कोर है, नहीं लिखा है तो ये स्कोर है, बताओ मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए फिट होता हूँ। हिमांशु जी विदाउट आइल्स तो भाव के कोई भी उहदे कोल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है और ना ही विद्यार्थी ने जीआरई की है, जी मैट की है, एसीटी की है। इस तरह के जिहड़े विद्यार्थी ने कि ये भी वीजा लै सकते हैं यूएसए दे विच। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी कॉन्फिडेंट हो और उन्हें पता हो कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं। पहला सवाल यही पूछेगा वीजा ऑफिसर, व्हाई हैव यू चोजन दिस यूनिवर्सिटी? उसे पता है कि आपने कोई भी एग्जाम नहीं लिखा है, यानी आप में मे बी हो सकता है कि आपके अंदर जील नहीं है, या फिर आप सिर्फ एक लक ट्राई कर रहे हैं, पर पहला सवाल आपको वीजा दिला सकता है। वीजा ऑफिसर ने पूछ लिया व्हाई यू वांट टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी, अगर बच्चा बता सकता है कि दिस इज द कोर्स आई हैव सिलेक्टेड और दिस इज रेलेवेंट टू माई प्रीवियस स्टडी एंड दिस इज द लोकेशन एडवांटेज है मुझे यहाँ पे, ही विल गेट द वीजा, कोई इशू ही कोई नहीं है औखी उसमें, तैयारी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हो नहीं सकती है। है। बी कॉन्फिडेंट, बी फ्लेक्सिबल। वीजा ऑफिसर्स दे लाइक सी टू सी स्माइलिंग फेसेस, बच्चे जब एम्बेसी में जाते हैं वो डर के ना जाएं, वो स्माइल करके जाएं, वो गुड मॉर्निंग विश करें वीजा ऑफिसर को, कॉन्फिडेंटली जाएं, यूएस वीजा इज नॉट एन इशू, बहुत आराम से लगता है, सबसे अच्छा फ्लेक्सिबल वीजा है। F1 वीजा बिल्कुल स्टार्टिंग ही 5 साल का। कोई दो रामा नहीं हैगी। हाँ जी, शुरुआत जी आप की I-20 रिसर्च बेस्ड होगी, I-20 लैंड तो बाद एक प्रोफाइल तैयार होगी थोड़ी इंटरव्यू जी। हूँ बच्चे का जो वीजा लग जाता है, पहला थोड़ा जा बैक आऊंगा, ये ड्यूरेशन किन्नी का मिलेगा बच्चे को वीजा और किन्नी ड्यूरेशन के कोर्स सिलेक्ट करने चाहिए ने? यूजली अंडर ग्रेजुएट डिग्री वहाँ पे 4 साल की होती है, अगर आप किसी इंजीनियरिंग डिग्री में जा रहे हैं, बीबीए या बिजनेस की डिग्रीज 3 साल की भी होती हैं, मास्टर्स डिग्री सारी 2 साल की हैं। आजकल बहुत सारे मास्टर्स हैं जो इंटर्नशिप बेस्ड मास्टर्स हैं, जी एक 1.5 साल के, उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप, 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, बहुत अच्छी बात है। बट जो F1 वीजा होता है वो सिर्फ वो सीधे 5 साल का होता है, तो आप चाहे 3 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं या 4 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं या 1 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं, आपको पांच वीजा साल पांच का साल का वीजा मिलेगा। मिल रहा है। F1 वीजा जैकपॉट है, देखा जाए तो 5 साल का वीजा है आपके पास, ठीक है, आप पढ़ने जा रहे हैं और इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके बाद F1 वीजा के बाद बच्चे ले सकते हैं फुल टाइम
वर्क परमिट, उसको कहते हैं सीपीटी। फुल टाइम मतलब फुल टाइम मतलब आप काम कर सकते हैं कितना फुल भी कर टाइम, सकते हैं। बिल्कुल काम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री ओके और कंप्लीशन के वन बाद अकेडमिक ईयर। एक ड्यूरिंग द अकेडमिक स्टडी कितनी कर सकते हैं? ड्यूरिंग द स्टडी फर्स्ट 9 मंथ्स यानी फर्स्ट अकेडमिक ईयर स्टूडेंट सिर्फ ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक। ओके दे के नॉट गो ऑफ कैंपस। 9 महीने? 9 महीने पहले 9 महीने। अब आप छोटा सा मेरा सवाल है आपसे, अगर कोई बच्चा एक छोटे से कम्युनिटी कॉलेज या एक एजेंट के कहने पे एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज में गया है पढ़ने जहां पे टोटल बच्चे ही 1000 पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या ऑन कैंपस जॉब नहीं मिलेगी? मिलेगी कोई कोई तो मतलब ओदे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होएगी। बिल्कुल केड़ी चीज होएगी जिथे वो जॉब कर सकेगा कुछ ओदे लिए? बिल्कुल जेड़ा तुसी पॉइंट उठाया, अच्छा पॉइंट उठाया कि वड्डी हेज यूनिवर्सिटी होएगी उथे तुहाडे लिए काफी सारिया अपॉर्चुनिटीज होणगीआं। ठीक है, जो बच्चा चला गया उदो तुसी कहो कि 20 घंटे 9 महीने बाद उन्हें वर्क राइट्स मिल जाने ने। फर्स्ट अकेडमिक ईयर ऑन कैंपस 20 आवर पर वीक वो जॉब कर सकता है। पहले साल के बाद बच्चे के पास ऑप्शन है, अगर वो पढ़ाई में अपना कंटिन्यू कर रहा है तो वो 20 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस कर सकता है यानी कि कॉलेज के बाहर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्सेस वर्क परमिट कितने टाइम का मिलता है? वहां का जो वर्क परमिट है उसको सीपीटी कहते हैं, करिकुलम बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये बच्चे को 1 साल का 12 महीने का मिलता है। इसके बाद बच्चा वापस पढ़ाई पे आ सकता है और फिर से उसको सीपीटी 1 साल का होता है। सीपीटी सीपीटी 1 साल का होता है। कुछ की करना है, बच्चे दी रिस्पांसिबिलिटीज की होंगी सीबीटी दे विच? फुल टाइम जॉब कर सकता है, इट शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट कर जाए, रेलेवेंट जरूरी है, सीपीटी वरना मिलता ही नहीं है, सीपीटी की परमिशन ही नहीं मिलती। अगर आप बिजनेस करके इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढ रहे हो बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इट हैज टू बी रेलेवेंट जो आपने पहले पढ़ाई करी है उसके हिसाब से हो। सीपीटी करने के बाद बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है कि जिस कंपनी में उन्होंने 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया है वो H-1B वीजा अप्लाई कर सकते हैं यूएसए में। जी, H-1B वीजा एक लॉटरी सिस्टम है जी, वहां पे हर साल H-1B वीजा अप्लाई करने वाले बहुत लोग रहते हैं और ये एक लॉटरी सिस्टम है। तो हमारे इंडियंस बच्चे काफी स्मार्ट हैं एंड काफी अच्छी पढ़ाई करते हैं वहां जाके, तो हमारे बच्चे और मेहनती भी बहुत हैं। ये वीजा की है, की बेनिफिट होंगे बच्चों ने इस वीजे को? H-1B वीजा फुल टाइम वर्क परमिट है, ओके, अप टू 3 इयर्स, ये सीधे 3 साल का लगता है। H-1B वीजा ये भी डिक्लेयर करता है एज H-1B वीजा होल्डर कि आपकी इंटेंशन है टू गेट PR परमानेंट रेजिडेंसी इन US। ड्यूरिंग H-1B वीजा अगर आपके पास H-1B वीजा है तो आप US की PR अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ग्रीन कार्ड तब तक नहीं मिला है। और ये भी डिक्लेयर करता है कि आपकी इंटेंशन है कि आप ग्रीन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं फ्यूचर में। PR और ग्रीन कार्ड की फर्क रहेगा? अगर जब तक आप ग्रीन कार्ड, तो मतलब ये हो गया कि आप हो गए वहां के पक्के हो गए, जब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है तो टेम्पररी परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है आपको। आपके पास आपकी जॉब है, H-1B वीजा है, एक अच्छी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है तो वो जो टेम्पररी फेज है उसमें वो परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं, उसको टेम्पररी PR कहते हैं वहां पे। जी, तो सबसे अच्छी बात है कि आप F-1 वीजा पे गए 5 साल के लिए, आपने बीच में सीपीटी ली फुल 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, आपका वो 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू कन्वर्ट योर वीजा टू H-1B वीजा। आपने H-1B वीजा ले लिया जो कि 3 साल का हो गया, 3 साल आपने फुल टाइम वर्क करा, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो H-1B के बाद अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर देखें बहुत ही फ्लेक्सिबल है सब कुछ, अगर वहां जाके बच्चा मेहनत करके एक अच्छी जॉब कर सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल, मार्केट बहुत बड़ी है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जी अच्छा, हिमांशु जी, पंजाब दे विच स्पॉस केस बहुत बैठा है जिहड़ा चाहुंदा कि असी पति पत्नी इकट्ठे जाइए क्योंकि मैरिज हो जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, मैरिज हो गई, मैरिज तो फिर बाद असी सानू लगता कि असी हुण पढ़न जाइए और USA दे विच स्पैशल जाइए, उन्होंने नहीं नॉलेज इस चीज़ की कि वीजा लगेगा नहीं लगेगा, स्पॉस किवें इकट्ठे जा पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। स्पाउस वीजा होता है उसको F2 कहते हैं जी। F2 के लिए भी I-20 चाहिए, I-20 अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है, और वो I-20 भी आपकी यूनिवर्सिटी इशू करके देगी। बड़ा एक छोटा सा माइंडसेट है, अगर एक आप मियां बीवी हैं, हस्बैंड एक अच्छे कोर्स के लिए जा रहा है, वाइफ की भी इंग्लिश अच्छी है, वाइफ भी साथ जाना चाहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए एम्बेसी में F-1 और F-2 वीजा एक साथ अप्लाई करिए। ठीक है, F-2 वीजा के लिए आपको थोड़े फंड्स और दिखाने पड़ेंगे, अप टू $10,000 कॉस्ट ऑफ लिविंग 1 साल की। F-1 लेकिन चाहिए ने, 2 लेकिन चाहिए ने? F-1 के लिए
यूएस एम्बेसी में कोई सेट क्राइटेरिया नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि आपके I-20 पे लिखा हुआ आता है कि आपको कितने फंड्स चाहिए। ओके वो कैलकुलेट करते हैं आपके फर्स्ट ईयर ऑन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस। हाँ जी, पर मैं एवरेज आपको बता देता हूँ कि 25,000 से $30,000 के फंड्स चाहिए होते हैं यूएस एम्बेसी में दिखाने के लिए। और अगर आप F2 भी साथ लगा रहे हैं, यानी डिपेंडेंट भी साथ लगा रहे हैं, तो अनदर $10,000 चाहिए। इंटरव्यू में वो पूछ सकते हैं कि ओल्ड चाहिए ना तुम्हें यूएस एम्बेसी। एक्चुअली 30 सेकंड के इंटरव्यू में, 1 मिनट के इंटरव्यू में वो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ये ओल्ड हो या न्यू हो वो पूछ सकते हैं आपसे। और आइडियोलॉजिकली मैं कहूंगा कम से कम 3-4 महीने पुराने होने चाहिए। क्योंकि नहीं तो फिर वो, आप भी जानते हैं, बहुत लोग होते हैं वो आज पैसे कहीं से अरेंज करे, अकाउंट में डाला, उसके बाद कल एम्बेसी पहुंच गए, ऐसे तो फिर किसी का भी वीजा लग सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ना ही ये सीरियसनेस दिखता है इसमें वीजा ऑफिसर को। तो 3 महीने पुराने तो कम से कम होने चाहिए। हिमांशु जी, इनटेक केड़ा हुण जिहड़े पंजाब दे विद्यार्थी ने जिहड़े हुण चाहुंदे ने कि असीं एडमिशन लैके उत्थे वीजा प्राप्त करिए, इनटेक टाइम टू टाइम मिलदा रहेगा या कुछ वेट करनी पड़ेगा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। पंजाब के विद्यार्थियों के लिए तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, XYZ कॉलेज मत चूज करो, टॉप यूनिवर्सिटी चूज करो। आपके पास आईएलटीएस में बहुत कम स्कोर है, अगर मान लीजिए 4.5 बैंड भी हैं तो भी आप एक अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी जा सकते हो। आप उसके फाउंडेशन प्रोग्राम में जाओ। ओके, यूनिवर्सिटी फाउंडेशन प्रोग्राम बनाया ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, टू ब्रिज द गैप बिटवीन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और उनकी जो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी हमारे पंजाब की जो क्वालिफिकेशन है बच्चे की, आईएलटीएस का लेवल लो है, तो वो अच्छी एक टॉप यूनिवर्सिटी चूज कर सकता है, उसके फाउंडेशन प्रोग्राम में जा सकता है। और उसकी इनटेक 12 महीने है। तो इनटेक ही इनटेक जा सकती है। हाँ जी, इनटेक ही इनटेक है। हाँ जी। अच्छा हिमांशु जी, सिर्फ एक चीज, प्रोसैस जोड़ा मैं भी गुजर चुका यूएसए का, जो वीज़ा प्राप्त किया, फॉर्म जो थोड़ा तो चले गया, तो फिंगरप्रिंट्स की डेट मिल गई, इंटरव्यू की डेट मिल गई, उस तो बाद तुरंत वीज़ा लग जाना है, इस तो पहला का प्रोसैस किन्ना है? सबसे पहले आप I-20 लेंगे, I-20 लेने के बाद आप अपने फंड्स अरेंज करेंगे, फिर ऑनलाइन आप DS-160 फॉर्म भरेंगे। ये DS-160 फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है वीज़ा का। उसके बाद आप अपनी सर्विस फी पे करेंगे एक्सिस बैंक के थ्रू। सर्विस है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इन्फॉर्मेशन सर्विस, ये I-20 के ऊपर लिखा हुआ आता है सर्विस फी। सर्विस फी पे करने के बाद ऑनलाइन जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट देखेंगे कहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से नियरेस्ट एम्बेसी दिल्ली में है, तो आप देखेंगे दिल्ली में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब अवेलेबल है। वो अपॉइंटमेंट जिस दिन आपको मिलेगी उससे एक दिन पहले आपको VFS जाना है और अपना बायोमेट्रिक देना है, अपने हैंड प्रिंट्स, आई रेटिना प्रिंट, ये सब कुछ देके आप नेक्स्ट डे वीजा इंटरव्यू पे जाएंगे। वीजा इंटरव्यू पे वीजा ऑफिसर आपको मैक्सिमम 1 मिनट में बता देगा कि अपना पासपोर्ट छोड़ जाओ या अपना पासपोर्ट ले जाओ। छोड़ जाओ बोल दिया तो वीजा लग गया, नहीं तो नहीं लगा। अच्छा एक सवाल चलते चलते, पंजाब बहुत रिजेक्शन वाले बच्चे बैठे ने जिन्होंने सही ढंग सही कोर्स चाहिए, सही यूनिवर्सिटी जिहड़ियां अप्लाई नहीं कीतियां सीगियां, रिसर्च नहीं सी कीती, दोबारा चांस लेना चाहिए, मेरे मुताबिक तो लेना चाहिए क्योंकि रिजेक्टेड केसां नूं भी दोबारा वीजा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। यूएस एम्बेसी का बड़ा सिंपल फंडामेंटल है, वो बच्चों का रिसर्च देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चे ने रिसर्च करा है कि नहीं करा है, और उसको ये यूनिवर्सिटी जाके फायदा क्या है, वो कौन से कोर्स में जा रहा है। अगर पिछली बार आपने रिसर्च नहीं करा था, अगर पिछली बार आप सिर्फ किसी एजेंट के कहने पे किसी कॉलेज में जाके अप्लाई कर गए थे, तो मैं ये कहूंगा इस बार थोड़ा रिसर्च करिए और कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी अप्लाई करके 3-4 I-20 लेके जाइए वीजा ऑफिसर के पास। और वहां जाके जब वो आपसे पूछेंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, तो आप उन्हें ये जवाब दीजिए कि मैंने रिसर्च करा है, मैंने 4 यूनिवर्सिटीज अप्लाई करी हैं, मेरे पास 4 I-20 हैं, उनमें से सबसे बेटर ऑप्शन मुझे ये लगा है और उसकी ये वजह है, आपका वीजा लगेगा जी। थैंक यू हिमांशु जी, सिर्फ एक चीज पूछनी चाहूंगा, जो बच्चे तो गाइड लेना चाहते हैं 17 सेक्टर एड्रेस टीवी थले चल रहा है, किस वेले मिल सकते हो? मैं अवेलेबल हूँ, मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, बट मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज में ट्रेंड है। उनका काम ही है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके बच्चों को बताना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में फिट हो रहे हो। आप हमारे पास आइए, आप हमें बताइए कि आपको कौन सी लोकेशन जाना है, आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हम शॉर्टलिस्ट करके देंगे, हम आपकी मदद करेंगे अप्लाई करने में, हम I-20 प्रिक्योर करके देंगे आपका, हम आपको वीजा इंटरव्यू ट्रेनिंग करा के देंगे, पर हम वीजा नहीं लगा के दे सकते, वो तो आप ही को लगाना है। एम्बेसी में आपको खुद जाना है और इंटरव्यू खुद फेस करना है। हम कोई कैश नहीं लेते बच्चों से, हमने ना कभी आज तक कोई कैश लिया है, हम कुछ कैश नहीं लेंगे, हमारी अपनी प्रोसेसिंग फीस है I-20 मंगाने की, हम बस वही लेते हैं और वो हम चेक से लेंगे, उसका हम सर्विस टैक्स पे करते हैं। थैंक यू हिमांशु जी, मेहरबानी। तुहाडे लई कोई फाउंडेशन नहीं, यूएसए जाना चाहते हो तो डायरेक्टली जी है कैंपस अमेरिका
ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ USA ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।